फिल्म ट्रिपल आर से फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाले साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर हर किसी के फेवरेट माने जाते हैं। फैंस को जूनियर एनटीआर की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं आने वाले समय में ये अभिनेता फिल्म देवरा में नजर आने वाले हैं। इसी बीच देवरा के डायरेक्टर कोरातला सिवा ने मूवी की रिलीज और पार्ट्स को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा अपडेट दिया है। लंबे समय से जूनियर एनटीआर की देवरा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर कोई इस फिल्म के लिए बेकरार नजर आ रहा। जिस तरह से डायरेक्टर एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रिपल आर में जूनियर एनटीआर ने अभिनय का दमखम दिखाया था, उसके बाद फैंस उन्हें जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। इसी बीच देवरा फिल्म के डायरेक्टर कोरातला सिवा ने फिल्म के ट्विटर पेज पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में डायरेक्टर सिवा ने इस बात की जानकारी दी है कि फिल्म देवरा को दो पार्ट में बनाई जाएगी, जिसके चलते इस मूवी का पहला पार्ट 5 अप्रैल 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस देवरा के लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं। बता दें कि देवरा जूनियर एनटीआर के फिल्मी करियर की 30वीं फिल्म है। जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म देवरा में बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान और जानवी कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस मूवी से सैफ अली खान और जानवी कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर भी सामने आ गया है। ऐसे में अब देवरा से जुड़े इस अपडेट को जानकर फैंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये पहला मौका होगा जब ये तीनों कलाकार किसी फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। खास बात यह है कि जानवी इसी मूवी के जरिए साउथ की फिल्मों में डेब्यू करेंगी।